फोटोग्राफी लीक न करने की रखी थी शर्त। पुष्करों से शपथ पत्र लेकर वीडियोग्राफी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लीक हो रही है ये वीडियो। ये वो वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गैरवापी के अंदर का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। ये वो तस्वीर है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण बिंद्रा के ग्रामीण क्या कहिए और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रोहित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वाराणसी से। रोहित, अब ये जो अंदर ज्ञातवापी परिसर के अंदर का जो वीडियो है वो बाहर आ गया है और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है ये अपने आप में चौंकाने वाली है। रोहित, लेकिन निश्चित रूप से वही पक्ष था जिसका डर मुस्लिम पक्ष को सता रहा था और जिसके लिए कोर्ट में भी अपील कर रहे थे कि यदि इस वीडियो को सार्वजनिक न किया जाए समाज में जा सकता है। हालांकि ये समाज में अब आ चुका है, वायरल हो चुका है और ये सच सामने आ चुका है कि जिसे फवारा कह रहे थे वो शिवलिंग ही है। एकदम साफ साफ पता चल रहा है, कई एंगल पे देखने की बात है, हर तरफ से वो शिवलिंग ही लग रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला जो है अब बाहर आ चुका है। ये आज लगभग 5:30 बजे कोर्ट ने सभी पक्षों को ये दे दिया। हालांकि सबसे शपथ भरवाया गया था कि जिनको जिनको दिया जा रहा है कि ये तमाम जो चीजें दी जा रही उसको कहीं वायरल न किया जाए, लेकिन चूंकि इसकी इतनी डिमांड थी, इतने पक्षकार थे, उसके बाद ये तमाम चीजें मीडिया में लीक कर दी गई। जाहिर है अधिवक्ताओं का कहना है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक से नहीं छुपनी चाहिए और ऐसा कुछ कानून भी नहीं है कि कमीशन का रिपोर्ट है तो उसको सार्वजनिक न किया जाए। बहरहाल इसको लीक कर दिया गया और लीक करने के बाद इस जो सारा तथ्य और सारी चीजें हैं जिसको लेके अनावश्यक दलीलें दी जा रही थी कि फवारा है शिवलिंग, अब वो जनता के बीच में आ गया है। आम जनता खुद उसको देख रही है और समझ रही है कि क्या है। बिल्कुल रोहित, और कहा यह जा रहा है कि शिवलिंग जो है वो यहाँ पर है, ये हिंदू पक्ष का दावा है और कहा यह जा रहा है कि आसपास जो दीवारें हैं उन पर भी कुछ इस तरह के कहा जाए कि नक्काशी जिस तरह की होती है वो मिली है। तो क्या इस पूरे मामले को, ये जो वीडियो वायरल हुआ इसके बाद से इस पूरे केस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? रोहित, निश्चित रूप से ये हिंदू पक्ष का दावा जो है कमीशन की कार्रवाई के बाद से और भी मजबूत हुआ है और इसके इस वीडियो लीक हो जाने से एक होता है, देखिए जो अभी तक समाज में भ्रांतियां थी ये फैलाई जा रही थी कि नहीं ये अफवाह फैलाई जा रही है हिंदू पक्ष द्वारा, अब हिंदू पक्ष की जो आम जनता है वो भी इसको देख ली है। यानी जो एक माहौल बन रहा था कुछ निगेटिविटी का वो अब एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। सारा जो हिंदू है वो समाज है वो अब इस चीज को समझ के एक पक्ष हो रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि अफवाह नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, ऐसा सत्य है जिसको वर्षों से ताले में बंद करके रखा गया है, वो सामने आ गया है। बिल्कुल रोहित, और ये जो आकृति दिखाई दे रही है कहा जा रहा है कि शिवलिंग है, इसके ऊपर से ही कहा ये जा रहा है कि सुराख जो है वो किया गया था, अंदर तक उसको फव्वारे की शक्ल देने का भी प्रयास किया गया था और बकायदा इस पर एक चरखी रखने की भी कोशिश की गई थी। तो इन सब दावों की क्या सच्चाई? लेकिन निश्चित रूप से अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये जो आरोप लगाए गए थे कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई, उसको फवारा का रूप देने की कोशिश किया गया दिखता है। हमें याद होगा कि 7 मई को जब पहले फेज के कमीशन थी उस दिन किसी को अंदर घुसने नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से संभवतः ये उसी दिन छेड़छाड़ करके ऊपर सीमेंट लगा के ये आवरण लगा के उसको काटा गया और जिससे ये लगे कि ये फवारा है। वो साफ साफ देखिए दिख रहा है जो शिवलिंग के ऊपर, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, जो ऊपर का है वो 5 खानों में बटा है, वो लग रहा है साफ साफ की नए ताजा उसको काटा गया है। और इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से एक सीजीएम कोर्ट में अर्जी भी दी गई आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए कि जो शिवलिंग है उससे छेड़छाड़ की गई है, तो सबूत जो है वो चीख चीख के बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि वो शिवलिंग ही है और उसको फवारा का रूप देने के लिए उससे छेड़छाड़ भी की गई है। रोहित, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग बताया जा रहा है इसके ऊपर जो आकृति हमें दिख रही है 5 भागों में जो विभाजित है, सीमेंट से इसको कहा जाए कि जो बनाने की कोशिश की गई है क्या?
जी हाँ, इसको आरोप हिंदू पक्ष का यही है कि उसको टेम्परिंग करके ऊपर से सीमेंट लगा के उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि ये फवारा है, और हिंदू पक्ष का है कि आखिरकार अगर ये ऐसा नहीं है तो इसको छुपाने के लिए क्यों मुस्लिम समुदाय इतना परेशान था, कमीशन की कार्रवाई रुक गई, 150 की संख्या में मुसलमान वहाँ पहुँच जाते थे कमीशन कार्रवाई के दौरान 7 तारीख को, कल सरकारी कमीशन को फोर्स द्वारा नियुक्त कमीशन को अंदर नहीं घुसने दिया गया। तो ये सब तमाम चीजों को यदि आप एक कड़ी में अगर श्रृंखलाबद्ध करके देखें तो सब कुछ पता चलता है कि जानबूझ के रोका गया था कि कमीशन अंदर न घुसने पाए। वो तो कोर्ट ने जब सख्ती की कि चाहे जैसे भी इसको करना है, जिला प्रशासन को पक्ष बनाया, कमिश्नरेट को पक्ष बनाया, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को जब पक्ष बनाया, तब जाके कमीशन को अंदर घुसने दिया गया और तब जाके ये सच जो है वो सामने आया है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये जो वीडियो सामने आया है इसमें तमाम जो जो लोग दिख रहे हैं, जो वहाँ पर सर्वे करने के लिए अंदर गए हुए थे, पूरी टीम जो है वो दिखाई दे रही है। और पहली बार जब रोहित सर्वे हुआ था उसके तुरंत बाद ही ये कहा गया था कि वहाँ पर एक शिवलिंग मिला है, उसको लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर एक याचिका जो है वो कोर्ट में दायर की गई थी, और उसी के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या जो ज्ञानवापी परिसर है उसके अंदर शिवलिंग मिला है। लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ पर शिवलिंग की बात की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। जी हाँ, ये सच्चाई ये है, और दावा कहीं ना कहीं से कानूनी यदि हम भाषा में बात करें तो दावा मजबूत हुआ है। जो साक्ष्य मिला है वो साफ साफ, पहले फवारा कहा जा रहा था, दूर से देखने का एक पहले से वीडियो लीक हुआ था, लेकिन अब उसके कई एंगल से वीडियो मिल गए हैं, स्टिल फोटोग्राफ मिल गई है। जो काला पत्थर है वो एक प्रकार वो पन्ना है, वो पन्ना पत्थर का बना हुआ है, वहां पर पहुंचे हुए कुछ लोगों ने बताया था। तो पन्ना पत्थर का देखिए फवारा नहीं बनता है, और फवारा उस शेप में नहीं बनता है, और उसमें कोई पानी डालने या इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है नहीं, और जब से जब का ये फवारा है तब उस तरीके की कोई मोटर की ऐसी टेक्निक नहीं थी कि उसको पाइप लगा के फवारे से पानी निकाला जाए। तो साफ साफ तमाम जो सबूत हैं, और शायद यही जो मुस्लिम अधिवक्ता मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनकी शायद यही बेचैनी थी, इसीलिए इन सब कार्रवाई को रोकना चाह रहे थे, तमाम चीजों को भ्रांतियां वो फैला रहे थे। बहरहाल जो सच है वो अब सामने आ चुका है, न सिर्फ घोष में बल्कि वायरल होके वो जनता के बीच में। बिल्कुल रोहित, और जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है इस वीडियोग्राफी में, देखिए किस तरह से ये जो पत्थर जो दीवारें हैं उन पर भी त्रिशूल बना हुआ नजर आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो तमाम जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, सबूत निकल कर, वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष जिस तरह से दावा कर रहा था वो दावा अब और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीवारों पर जिस तरह से त्रिशूल की जो आकृति है वो भी दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखिए ये पहले से ही कहा जा रहा था, और जब अंदर का चीजें जब लीक होके आ रही हैं तो अभी तक क्योंकि ये पूरा परिसर पहले खुला रहता था, 1991 के बाद से ये पहले खुला रहता था, कोई भी आ सकता था। बाबरी कांड के बाद से इसको बैरिकेडिंग की गई, रोक दिया गया, और सिर्फ वहां मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इस दौरान तमाम टेम्परिंग भी की गई, लेकिन उस दौरान जो लोग वहाँ सामान्य रूप से आते जाते थे वो गवाही देते थे, उन्होंने अपनी नंगी आंखों से देखा था, वो इस चीज को बात बताते थे, लेकिन उसको उनको नकार दिया गया था। लेकिन अब इस सर्वे की कार्रवाई में जो आज से 30-35 साल पहले जिन लोगों ने देखा था वो आज की वीडियोग्राफी में आज वो आ गई, हालांकि उसको तमाम चीजों में टेम्परिंग की गई है। बिल्कुल रोहित, तो ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ गई हैं, जब से ताजा तस्वीरें वीडियो जो है वो निकलकर ज्ञानवापी परिसर से सामने आया है। आगे बढ़ते हैं मोदी।